नमस्कार, मैं केशवानंद शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ आर स्पेस से खास शो खास शख्सियत खास बातचीत में। आज हम लगातार बातचीत कर रहे हैं 59,000 शिक्षक भर्तियों को लेकर के, क्योंकि लगातार देखा गया इन दो वर्षों में उन अभ्यर्थियों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है उसी पूरे मामले को लेकर के आज हम बात करेंगे और चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक अभ्यर्थी है, भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पैनल में। और लगातार इन बीच देखा गया जिस प्रकार इन दो वर्षों में आप लोगों की शिक्षक भर्ती अटक गई, वनवास कहा जाए तो आप लोगों ने काटा है इन दो सालों में, तो किस प्रकार आपके दो वर्ष बीते और आगे क्या आप सरकार को किस प्रकार? सर, पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और यूपी गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनको जैसा जैसा उन्होंने हमेशा कहते आए हैं कि योग्यता के साथ न्याय करेंगे, वैसा ही कुछ डिसीजन आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि योग्यता के साथ न्याय किया गया है। और बहुप्रतीक्षित जो निर्णय है 69,000 का, ये कह सकते हैं कि योग्य अभ्यर्थियों को यूपी गवर्नमेंट द्वारा चयनित किया गया है, तो हम माननीय यूपी गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और हाँ, ये बात सही है कि दो साल में काफ़ी हम लोग के अनुभव खट्टे मीठे रहे हैं सरकार के साथ, लेकिन अंत भला तो सब भला, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द, जैसे अभी 31,000 हमारे साथियों को नियुक्ति दी गई है, वैसे हम लोग को भी उतनी तत्परता के साथ नियुक्ति दी जाए। इन अगर आप शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो दो चरणों में आपकी शिक्षक भर्ती हुई है, और जो पहले 31,000 उन लोगों को सिलेक्शन भी हो गया, कॉलेज भी डिसाइड आप लोगों के अभी हुए नहीं, तो उसको लेकर के किस प्रकार के आप लोगों की सोच रहेगी, किस प्रकार आप लोगों की मांग होगी? सर, हमारी मांग अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन यही हमारी डिमांड है कि जैसे हम लोग को नियुक्ति जल्द से जल्द दी जाए, ताकि हम लोग जाके भविष्य में बच्चों को, जो हम लोग के नौनिहाल हैं बच्चे हैं, उनका भविष्य संवारें और कोशिश ही करेंगे कि जैसा मुख्यमंत्री जी और हमारे यूपी गवर्नमेंट की विचारधारा है कि सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध हो सके और गांव-गांव तक, जन जन तक शिक्षा का विकास हो सके, तो उनमें उनके लिए बहुत जरूरी है कि शिक्षक बहुत जरूरी है। सर, जब शिक्षक होंगे तभी बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी, तो जितनी जल्दी नियुक्ति हम लोग को मिलेगी उतनी जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को पूरा करें और बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा उपलब्ध करें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करें। अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार भी शिक्षक पर ज़्यादा फोकस कर रही है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर के हो या विद्यालय के मेंटेनेंस को लेकर के हो, कई व्यवस्थाएँ देती हैं सरकारी विद्यालय में अगर मिड डे, तो आप लोग जब शिक्षक, क्योंकि आगे भविष्य आप लोगों के शिक्षक होगा, कैसे आप लोग बच्चों को संवारेंगे, क्योंकि आप ही के हवाले? सर, हमारा पूरा, हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग अपना बेस्ट प्रयास करें, बच्चों को अच्छे से अच्छी चीज़ें सिखाएं, उनको थोड़ा क्रिएटिविटी सिखाएं, रचनात्मक तरीके से उनको पढ़ाई करना सिखाएं, और कोशिश रहेगी कि हम लोग उनको स्कूल तक लेके आएँ। जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो मान लो हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग जागरूकता समाज में फैलाएं और जन जन तक ये संदेश यूपी सरकार का, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का पहुँचाएँ कि आप शिक्षा लीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाई कराइए और उनका भविष्य उज्जवल कराइए। इस आपकी भर्ती को लेकर के जिस प्रकार मामला पूरा कोर्ट में चला गया, इस बीच में दो वर्षों का लगभग समय लगा, इस आप लोगों को क्या इन दो वर्षों में दिक्कतें हुई? सर, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये दूसरे चरण में आप लोगों का सिलेक्शन, तो प्रथम चरण आया और उसमें 31,000 लगभग हो गया, तो इन दो आप लोगों को किन प्रकार दिक्कतें हुई, क्या आप लोगों की मानसिकता है? सर, हम लोग की वैकेंसी देखिए, माननीय मुख्य, हम लोग परीक्षा हुई थी सुपर टेट की, उसके अगले दिन शासनादेश जारी हुआ था कि आपका 60-65 कट ऑफ लगा दिया गया, तो जिन लोगों का नहीं हुआ था कम थे, उन लोग जाहिर बात थोड़ा निराश जरूर हुए थे, लेकिन योग्यता के साथ, जैसा कहा माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम लोग योग्य अभ्यर्थियों को लेंगे, तो इन दो सालों में हम लोग को ये वित्तीय विश्वास था कि यूपी गवर्नमेंट हम लोग के साथ खड़ी हुई थी हर जगह, चाहे सिंगल बेंच रहा हो, डबल बेंच रहा हो, ये माननीय उच्चतम न्यायालय रहा हो, हर जगह उन्होंने हम लोग का पूरा साथ दिया। ये है कि ठेका था कि मतलब बीच बीच में कभी थोड़ा लूज हो गए हैं, थोड़ा ढीला उन्होंने प्रक्रिया रखी है, लेकिन साथ हमेशा रहे हैं, तो मानसिक तो प्रताड़ना तो खैर सर रही, जाहिर बात दो साल एक लंबा अंतराल होता है किसी भी वैकेंसी के लिए, लेकिन मैं आज कहूँगा कि सर आज बहुत मैं खुश हूँ कि मैं चयनित हूँ, अमेठी जिले मेरा चयन हुआ है, और बहुत बहुत सभी को बधाइयाँ जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं, और जो चयनित नहीं भी हैं उनके लिए पूरी उम्मीद है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि आने वाले भविष्य में वैकेंसी आएंगी, 21 वैकेंसी आएंगी, तो उन लोगों को भी बधाई है। जिस प्रकार आप लोगों ने, आपने बधाई दी कि जिनका चयन हो गया उनके लिए, लेकिन अभी जिसका चयन नहीं हुआ जी सर, उनके भी काफी दिक्कतें होंगी, उनको लेकर के आप लोग किस प्रकार उन्हें संदेश देंगे, क्या उनसे आप लोगों की बातें होंगी ताकि वो उनके डिप्रेशन में न जाए, काफी दिक्कतें ना हो उनको, क्या आप लोगों? सर, पहले तो आप अपनी विचारधारा बना के चलिएगा, अपना आप अपना ऑब्जेक्टिव लेके चलिए कि आप पेपर दे रहे हैं, पेपर देना आपके हाथ में, अपना बेस्ट करना आपके हाथ में, रिजल्ट कब आएगा ये आपके हाथ में नहीं है,
मानसिक अवस्था से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए, पेपर दीजिए, अच्छे से अच्छे नंबर गेन करिए, ताकि जब भी मेरिट भरिए तो आप उसमें ऊपर हों। तो आप और ये मत सोचिए कि कल भर जाएगी, परसों भर जाएगी, एक अपना आगे तैयारी निरंतर करते रहिए। जब भी वैकेंसी भरेगी अपना आप उसमें सिलेक्शन ऑलरेडी आपका हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमें अभी 2021 में सभी चयनितों के लिए, जो चयनित नहीं हुए हैं उनके लिए फिर से वैकेंसी निकाल लेंगे। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि सुचमित्र जो है उनको एक मौका और दिया जाएगा। तो सर आने लोग हो, इसमें आप 2-4 महीना हम लोग आगे हैं, 4 महीना पीछे होंगे, इसमें मतलब ऐसा कोई वो तो है नहीं, चयनित आप ही हो जाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारे यहाँ आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा है कि योग्यता में अभ्यर्थियों को ले जाएगा, तो आप कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छी पढ़ाई करिए और अच्छे अच्छे नंबर गेन करिए, ताकि आप योग्य अभ्यर्थियों में शामिल हों और आप सिलेक्शन जल्द से जल्द। इन 2 वर्षों में जो आपको दिक्कतें हुई, अगर आप देखा जाए तो 2020 हमारा बीत रहा है और आगामी 2022 को चुनाव है। जी सर, तो क्या लगता है कि जो शिक्षक भर्ती हो चुनावी मुद्दे को लेकर, भटकाने को लेकर के, चुनाव को लेकर के है कि सरकार चुनावी इस पे आगे देख रही है? सर देखिए, अब लास्ट इनका टर्म चल रहा आखिरी इस मतलब कि कार्यकाल का ये आखिरी साल चल ही रहा, डेढ़ साल बचे हुए। तो सर कह सकते हैं कि चुनावी प्रलोभन है, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि पूर्णतः चुनावी प्रलोभन ही है, क्योंकि हर सरकार कहीं ना कहीं अपने लास्ट टर्म में वैकेंसियां निकालती है। और सर एक योग्य अभ्यर्थी का सबसे बड़ा चीज उसका होना चाहिए कि वो तैयारी, उसका लगन होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। अगर उसके अंदर लगन और मेहनत की योग्यता है तो उसका चयन आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, ये मेरा मानना है। मैं ऑलरेडी सर 8-10 इंटरव्यू दे चुका हूँ, हर आयोग में हर जगह दे चुका हूँ, मेरा चयन बहुत जगह नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मैं हो सकता है मैं योग्य ना रहा हूँ, ये कुछ किन्हीं कारणों से रुक गई हूँ, लेकिन अंततः मेरे इसमें वैकेंसी में चयन तो हुआ ना। तो मैं सभी को अभ्यर्थियों को यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करिए, लगे रहिए, कहीं ना कहीं आपको जरूर होगा। सर आज चयन हुआ, किस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को आप? सर बहुत बहुत तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे साथ लगातार खड़े रहे पीछे, और माननीय उच्चतम न्यायालय को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने योग्य अभ्यर्थी के साथ न्याय किया और कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को एक प्रकार से सामंजस्यपूर्ण निर्णय दिया। ऐसा नहीं कि सर एक ही के पक्ष में सुना दिया, दोनों लोगों को कहीं ना कहीं संतुष्ट करने का प्रयास किया। उन लोगों को भी अगली वैकेंसी में कहा गया कि मौका देंगे, जबकि पहले था कि केवल 2 ही चांस मिलेंगे, 2 से बढ़ाकर अगली बार 3 चांस कर दिए गए। ये तो बहुत बड़ी बात है और उनको भविष्य में बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो हम चयनित हुए हैं सत्यजय भाई जी बचे हुए थे, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। मतलब कहा जा सकता है दीपावली अब आप सर बिल्कुल सर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है। सर आप लोगों ने काफ़ी प्रयास किए, आप लोगों ने हमारी बात को सर ऊपर तक पहुँचाया, इसमें जितना प्रयास हम लोग बच्चों का रहा है उतना प्रयास सर आप लोगों का भी रहा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार जिस प्रकार शिक्षक भर्ती है कि जो आज दूसरा चरण में लोगों का सिलेक्शन हुआ, चयन हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो कहीं ना कहीं जो युवा है, जो बच्चे हैं, उनमें काफी उत्साह जरूर देखने मिला है। नमस्कार।